मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। इन 7 दिनों में तुम प्रेम के बगैर जीने की आदत डाल। 7 दिन बाद इसी जगह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे। कितना अच्छा लड़का है ना कृष्णा। अरे छोटी मोटी रकम नहीं थी, 10 लाख की बात थी। सच में बहुत बड़ा दिल है कृष्णा जी का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक फैमिली में दो लोग इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। एक तरफ कृष्णा जी और दूसरी तरफ वो गोविंद और नंदनी। माय प्रथम प्रथम मेरा बैलेंस चेक करो क्रेडिट कार्ड का, चल नहीं रहा है। पता है उसकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई मुझे और दादी को। थैंक गॉड कृष्णा जी आ गए, उन्होंने मेरा ज्वेलरी की शॉपिंग का 10 लाख का बिल पे कर दिया। कितने रुपए खर्च कर दिए? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? 10 लाख ही तो खर्च किए मैंने। 10 लाख रुपए कम नहीं होते और मिला। वैसे मैं और डैड इतने टेंस्ड अपने फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर, ऊपर से प्राप्ति की शादी होने वाली है, उसी के ससुराल से तुमने पैसे ले लिए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? लाख दुख सहे है मैंने माँ, लेकिन आज तक तेरे अस्तित्व पर मैंने उंगली नहीं उठाई। पर आज सिर्फ मेरा ही नहीं तेरा भी इम्तिहान है माँ। एक औरत अगर घर की लक्ष्मी बन सकती है तो वो काली भी बन सकती है, और आज एक काली का इम्तिहान है। तुझे मुझे शक्ति देनी होगी माँ, मुझे रास्ता दिखाना होगा। हिम्मत दे मुझे माँ, मैं अपने परिवार और अपने सुहाग की रक्षा कर सकूं। तुझे साक्षी मानकर आज मैं ये वचन लेती हूँ माँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सुहाग पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अगर मेरी किस्मत, अगर किस्मत मेरा इम्तिहान लेना चाहती है तो मैं ऐसे हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं मां। बस मुझे तेरा साथ चाहिए। ठीक तो हो ना? कहाँ गई थी तू? मैं ठीक हूँ प्रेम। नंदिनी तुम तो पूरी भीग गई हो, चल बस आओ, चल चल वेट। बस वो मैं काली माता के मंदिर गई थी। नंदिनी बता के जाना चाहिए था, तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे। भीग गई हो तुम, अंदर चलो, तुम्हें टाल दे देता हूँ। नमस्ते। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप गोविंद जी की आई हैं? हाँ हूं। जा ये लीजिए, ये मिठाई रख लीजिए, मैं चलता हूं। हेलो। हाँ मिस्टर मेहता। हाँ बोलिए। अब जी वो अभी आधे घंटे में। ओके डन। क्या हुआ कृष्णा? अभी अभी मेहता साहब का फोन आया। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि अभी क्लाइंट आ रहे हैं और उनके साथ मीटिंग करनी है, और तुम्हारा उस मीटिंग में होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो मैं मीटिंग के लिए रुक जाता हूँ ना, मीटिंग करेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नंदिनी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और कृष्णा उसकी चिंता मत करो, मैं नंदिनी को फोन कर दूंगा। तू एक काम करो, मुझे ब्रीफ दे दो। हाँ एक्चुअली